नमस्कार, इंडिया की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। पंजाब में किसान आखिर क्यों खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहा है? किसानों की स्थिति में सुधार के लिए पंजाब सरकार की ओर से की जा रही कोशिशें ग्राउंड जीरो पर कितना असरदार साबित हो रही हैं? क्यों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से किसानों से खुदकुशी जैसे गलत कदम ना उठाने की अपील के बावजूद भी सूबे के किसान मौत को गले लगा रहे हैं? इंडिया की आवाज में आज इसी मुद्दे पर जानेंगे आपकी राय कि क्या किसानों की कर्ज माफी में देरी हो रही है, क्या किसानों के कर्जा माफी के मुद्दे पर केंद्र पंजाब की मदद करेगा, किसानों को उनकी फसल कैसे मुनाफे का सौदा बन सकती है, आखिर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है? तो किसान कर्ज माफी का रोड मैप क्या है? क्या कर्ज माफी पर पंजाब की मदद करेगा केंद्र? और फसलों के लाभकारी दाम किसानों को कैसे मिलेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप भी अपनी राय इंडिया की आवाज में साझा कर सकते हैं। किसान कर्ज मुक्ति का असरदार रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, और अन्नदाता खुदकुशी करने पर मजबूर क्यों हो रहा है, और किसान कर्ज माफी का रोड मैप क्या है? इंडिया की आवाज में आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं 1800-1803535, 01207153754, 01207153755। तो पंजाब में किसानों के खुदकुशी के मामले थम नहीं रहे हैं। अब फतेहगढ़ साहिब में दो किसानों ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि खुदकुशी करने वाले किसान कर्ज से परेशान थे। पंजाब में दो और किसानों ने मौत को गले लगा लिया। फतेहगढ़ जिले के गांव डेरा मीरमीरा में एक किसान लखवीर सिंह और गांव लाहौरी खुर्दा में किसान जसपाल सिंह ने खुदकुशी कर ली है। बताया जाता है कि दोनों किसानों पर कर्ज था और वो कर्ज की वजह से ही परेशान रहते थे। लखबीर सिंह पर करीब 5 लाख रुपए का कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का कर्ज था। कल रात रोटी टिका के पे हैं, पहन तो बाद बाकी सारे परिवार पै गए। 9 बजे उठ के बाहर गए हैं, बाहर जाके मोटर पे जाके मजदूर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ? 5 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਪਰੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ? खुदकुशी करने वाले दूसरे किसान जसपाल पर करीब 15 से 20 लाख रुपए का कर्जा था और बैंक की ओर से रोजाना वसूली के फोन आते थे। बैंक वाले फोन करते थे, कार्ड जो लिया था वो भी ज्यादा परेशानी थी, डेली फोन करते सगो अज भी फोन आया बैंक वाले का, सगो दसने के बावजूद भी अज उन्होंने फिर जिदी परेशानी कारण उन्होंने स्टेप लिया। पंजाब में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से किसानों की कर्ज माफी के लिए जल्द ही बड़े कदम उठाने का ऐलान किया जा रहा है। हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। और हमारे साथ पहले कॉलर राजीव जोशी मंडी गोविंदगढ़ से जुड़ गए हैं। राजीव जोशी जी, रखिए अपनी राय। जी मैडम जी नमस्कार जी, राजीव जोशी मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब। नमस्कार जी। मैडम जी कल रोंदे देखे नहीं जाते मैडम जी, मीर मीरी पिंड दे विच जिहड़ा 5 लाख पिछे बंदे ने अपनी तां जान गवाती मैडम जी, पिछे परिवार भी देखो सारा ही रुल गया मैडम जी। पर मैडम जी दूजे पासे जिहड़ी गल जमीनी पद्धर ते पूरी कदे हो ही नहीं सकती, उस गल नूं छड्ड देना चाहीदा। जां सेंटर दी सरकार ने साफ कहता कि तुसीं अपने घर नूं आप सवारो, पैसा वाधू अते कर्जा उतारो। गल पैसे नाल ही बननी है मैडम जी, पैसा तां सरकार कोल है ही नहीं मैडम जी। हले तां शुरुआत है मैडम जी, देखो हर घर नौकरी 2500 रुपया, 5 रुपये ढिड भर रोटी, कर्जा माफ, कुर्की भगवान लाल जमी, खुला पानी 35 साल तो 10 स्मार्टफोन, 5 रुपये युट बिजली है मैडम जी, 33% राखवाकरण, बुढ़ापा पेंशन 2500 रुपया कुड़ियां दे बचीफे लई मैडम जी, 5100 रुपया दसो कितों पूरा करेंगे? हाले तो मैडम जी शुरुआत है जी। शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो बहुत सारे वादे कैप्टन सरकार ने किसानों से किए हैं, जनता से किए हैं, और इस क्रम में पंजाब सरकार बढ़ भी रही है। पंजाब सरकार की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है किसानों से कि वो खुदकुशी ना करें। जो वायदा पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है कि उनका कर्ज माफ किया जाएगा, इस पर जो है पंजाब सरकार बढ़ रही है, लेकिन क्या
ग्राउंड जीरो पर इसका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले लगातार जो किसान है वो खुदकुशी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परेशान है, कर्ज से परेशान है। ऐसे में अब जो एक खत लिखा गया है पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को, क्या उससे कोई मदद मिल पाएगी और किस तरह से किसानों की जो फसल है उसे लाभकारी बनाया जा सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरदासपुर से, हरदीप हमारे साथ जुड़ गए। हरदीप जी, रखिए अपनी राय। हाँ जी मैडम जी, मैं कहना चाहना भी कैप्टन सरकार ने जल्द से जल्द किसानों की कर्ज माफ करनी चाहिए जी। शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो लगातार यही आस जो है किसानों को है कि जल्द से जल्द उनका कर्ज माफ हो जाना चाहिए, और लगातार सरकार भी यही दावे और वादे कर रही है कि उनका कर्ज माफ किया जाएगा। जलालाबाद से देवेंद्र कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, रखिए अपनी राय। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए। ऐसा है जो किसान है वो अन्नदाता है, उसकी जो है ना अपने खुदकशी वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि एक तो फसल का मूल्य पूरा होना चाहिए, और दूसरा जो मेन कारण है मेरे जैसा किसान है, 5-5 एकड़ सिर्फ जमीन है जी, तो उन्होंने कार भी रखी हुई है, ट्रैक्टर भी रखा है, मोटरसाइकिल भी रखा हुआ है, इनको खुद भी अपने कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे। इस वजह से ही ये किसान की हालात ठीक हो सकती है, और सरकार को भी चाहिए कि इनकी पूरी मदद करे। जो गरीब किसान है उसकी मदद जरूर की जाए, बड़े जिम्मेदार की मदद करने की जरूरत नहीं है जी। शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या कर्ज माफी के बाद किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी, ये भी एक सवाल है। बनाला से कॉलर मासद बलजीत जुड़ गए हैं। बलजीत जी, रखिए अपनी राय। सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं तो एक ये गल कहनी चाहना है मैडम, जो इन्होंने वोटा तो पहला इन्होंने फार्म भराए है पिंड जाके, तो उन्होंने की गल करिए लोगों का विश्वास वध्या होया है जी कैप्टन के नाल, सरकार आऊगी तो कर्ज माफ करूगी साडा, किसी भी किस्म का कर्जा देना हो सरकार बन तो बाद भी इन्होंने झूठे लारे लाते विश्वासघात करता, पहला विश्वास बचिया सी लोगों से विश्वासघात हो गया। तो जितों तक गल करी मैडम जी, तो 2.5 किल्या तो थले जो है कर्जा हो जाए पैसा आड़ती हो वह माफ कर देना चाहिए है। तो इस पासे जो सरकार हैगी तो ये औखी स्थिति फस चुकी है, तो ना केंद्र मदद कर रहे थे ना आप इन्होंने कहा जे केंद्र ना इन्होंने माफ किया तो असं करा, तो इस समय जो है सरकार ये उल्टी स्थिति पैदा होती जा रही है। धन्यवाद जी, शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो लगातार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से किसानों का कर्ज माफ हो सके। फाजिलका से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दलजीत हैं। दलजीत जी, रखिए अपनी राय। मैडम जी, कर्जा तो माफ होना चाहिए, लेकिन आ जे आवारा पशु है खेतों च कोई छोड़ ही नहीं देने, पट्ठिया तक बुरा हाल है जी, इन्हों का माड़ा बड़ा सरकार को कुछ करना चाहिए जी। साड़ी तो जिंदगी बेहाल जी, इन्हों का जदों चाहिए जी खेत कोई फसल बजती नहीं गी, जदों खेत जाने तो पहला वारी तो चाहिए ना, कोई घर च पानी तक रह नहीं दे रहे जी, इन्ना बुरा हाल है जी। तुम आके एक आपका तुम भेजो जी, देखो जी साढ़े इन्नी परेशानी है ना जी, साडे खेतां च पट्ठे भी साडे नहीं हैगे जी, इन्हां इन्हां दा हल होना जरूरी है, साडी तां मौत हो रही है जी इस करके जी। शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। उम्मीद यही है कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, और आवारा पशु जो आपकी फसलों को खराब कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक्शन होना चाहिए। एक और कॉलर मासा जुड़ गए हैं, बड़कल सिंह तरन तारण से मासा जुड़ गए हैं। बड़कल सिंह जी, रखिए अपनी राय। हेलो जी, जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी, मैं मंग रहा था भी जिस तरह लोग वास्ते इन्हां नूं आपदा वेख के काम कार करना चाहिदा जी, कर्ज लोग आपदा आप चढ़ाउंदे ज्यादा। हाँ जी जी, इह कर्ज आपदा आप चढ़ाउंदे लोग जी, आपे पैसे ज्यादा खर्चदे, इन्हां नूं घट खर्चने चाहिदे आ जी। जी शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए, और रिक्वेस्ट यही है दर्शकों से जब भी वो कॉल करें प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें, ताकि जो भी वो कहना चाहते हैं साफ तौर पर हम तक पहुंच सके। समय कम होता है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स हम ले सकें। सिमरन ने कॉल और फिरोजपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमरन जी, रखिए अपनी राय। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ये सुनेहा देना चाहना कि जदों मान लो किसान दो तरह के ने, एक गरीब है एक अमीर है जी। गरीब किसान नूं तो कर्जा लेना चाहिए, अमीर किसान जी माफ होता है, उदो दोवें किसान गरीब ते अमीर दोवां दा माफ हो जाता जी। सरकार नूं एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि किहड़े किसान का कर्जा माफ होना चाहिए जी। ठीक है जी,
फिर किसान फिर सरकार नूं इह वादा करन नालों जे किते रुजगार देंदे, रुजगार च बच्चे आप नौकरियां लग के कर्जा लाउंदे तां सरकार लई बहुत वधिया गल होणी सी जी। जी हां जी, शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो लगातार यही बात की जा रही है कि किस तरह से किसानी जो है फायदे का सौदा बन सके किसानों के लिए, विकल्प क्या है सरकार के पास। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकी जुड़ गए हैं संगरूर से। विकी रखिए अपनी राय। सत श्रीकाल जी। जी लिया होया ना सोसाइटियां ना कोऑपरेटिव सोसाइटियां दा ओह माफ कर देना चाहिदा जी, ओदे नाल थोड़ा फर्क पऊगा जी, राहत मिलूगी जरूर। जी शुक्रिया, शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो सरकार की तरफ से भी इसी दिशा में काम किया जा रहा है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो रोड मैप तैयार किया गया है क्या ये असरदार है, क्योंकि लगातार जो किसान है वो खुदकुशी कर रहा है। सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि किसान इतना बड़ा कदम ना उठाएं, सरकार ने जो वादा किया है कर्ज माफी का सरकार उसे पूरा करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद की गुहार पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र के पास लगाई गई है। एक और कॉलर चमकौर जुड़ गए हैं हमारे साथ फरीदकोट से। चमकौर जी रखिए अपनी राय। हेलो जी, जी बोलिए। सत श्री अकाल जी। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद जी किसानों ने मित्र गलबात करने लई। जी शुक्रिया मैडम। जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं पंजाब सरकार दोषी है जी, जो वोटा तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब से हथ रख के वायदा किया जी, इन्होंने मतलब पहला उदो मोदी साहब नक्के किया, मोदी साहब की झाकत भी वो करे जी, हूँ हूँ सेंटर की मदद मंग रहे जी, ये हम पंजाब सरकार भज रही जी करजे को, ये पंजाब सरकार को उन्नेक फैसले करने चाहिए जिन्हें कनवा देना जी। शुक्रिया अपनी राय साझा करने के लिए। तो सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि सत्ता में आते ही किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन अब जो है केंद्र की मदद की बात क्यों की जा रही है। करमजीत एक कॉलर भटिंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करमजीत जी रखिए अपनी राय। मैडम जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हां जी गल है भी पता की है, जदों ये कैप्टन सरकार ने कहा भी कर्जा कुर्की खत्म करांगे जी, ते फिर ये किसानां दे जिहड़े चैक ला छड़े आ जी, तरीकां पैंदियां ते जमीन आर एंड कर छड़ी नाले चैक ला छड़े आ जी, ते ओह कहंदे भी सोनू जदों फड़ के अंदर देवांगे जां पैसे भरो, जदों कहंदे भी कर्जा माफ ही करांगे ते फिर ओह चैक क्यों लाए आ जिमीदार दे जी, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਤੋ ਵਿਕਲਪ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ, विकल्प ढूंढने की कोशिश जो है सरकार को करनी होगी, क्योंकि लगातार जो है किसान खुदकुशी कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि कर्ज के बोझ के तले कहीं ना कहीं जो किसान है वो दबाव में आ रहा है और खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा रहा है। राजेंद्र कॉलर हमारे साथ राजपुरा से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी रखिए अपनी बात। राजेंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है जी? जी लगता है तकनीकी खराबी की वजह से जो वो कहना चाहते हैं हम तक पहुंच नहीं पा रही उनकी आवाज। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरदासपुर से। जय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय सिंह जी रखिए अपनी बात। जिला प्रधान बोल रहे हैं जी। जी जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। हेलो जय सिंह जी, रिक्वेस्ट है प्लीज अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। जी माफ होना चाहिए क्यों, ये छोटे किसानों नु कोई रेट नहीं मिलिया ना मटरां दा। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। साफ तौर पर वो जो कहना चाहते हैं हम तक उनकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही। रिक्वेस्ट यही है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें जब भी हमें कॉल करें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन है मोहाली से जुड़ गए हैं। राजन जी रखिए अपनी बात। हाँ जी मैडम, मैं कहना चाहूंगा जी कि जिस तरह मतलब कि आम तौर से सारे लीडर दावा करते हैं कि असि आम तौर से भी लीडरी के सेवा करने वास्ते आए हैं जी, तो मैं लगता है कि मीडिया भी उन्होंने तो लीडर तो कोई मतलब मिठे मिठे जी सवाल पूछता ही चंगा सवाल पूछता नहीं है कि जो इन्हें मतलब कि अपने कागज भरते हैं उम्मीदवारी वास्ते, तो हर एक लीडर कोई कहता मेरे 50 करोड़ प्रॉपर्टी है, कोई 100 करोड़ है, कोई 200 करोड़ है, कोई 300 करोड़ है जी, तो मतलब किसानों की मदद भी ता ही होगी जी जो खजाना भरने जी, तो लीडर चाहिए कि अपनी एक चीज छड़ देन चाहे परसनल प्रॉपर्टी दे देन या जेड़े सरकार के मतलब के मोटिया तनखा लें
फ्री दियां गड्डियां लैंदे आ, फ्री दी सिक्योरिटी लैंदे आ, जे एक चीज भी छड्ड देण ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਫੁੱਲ ਪੱਟਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਲੀਡਰੀ 'ਚ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ, ਹਮ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਯਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਲੇਨਾ ਹੋਗਾ। ਇੱਕ ਔਰ ਕਾਲਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਸੇ ਬਲਦੇਵ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬੋਲੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚੈਨਲ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੱਲ ਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਢੇਡ ਨੀ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਗਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਨਸ਼ੇ ਖਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨੀ ਮਾਰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਟੀਵੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। विकल्प सरकार के पास क्या है, उनके बच्चों को लेकर किस तरह से जो है राय सरकार की बन रही है, किस तरह से उन्हें मजबूत किया जा सकता है, किसानों को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है ताकि उनके जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिल सके, किसानों को कहीं ना कहीं MSP रेट को लेकर भी हमेशा कहीं ना कहीं ये मंथन किया जाता है कि MSP रेट जो है तय होना चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात कही जाती है, और अभी अभी कैप्टन सरकार की तरफ से एक खत भी लिखा गया है केंद्र सरकार को, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई है, MSP तय करने को लेकर बात कही गई है। ऐसे में अब क्या केंद्र सरकार पंजाब सरकार की मदद करेगा और राज्य सरकार खुद अपने स्तर पर किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर काम कर रही है, रोड मैप क्या कुछ बनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है एक विश्वास एक भरोसा दिया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से जनता को, किसानों को, कि वो खुदकुशी ना करें, जो वादा उनकी तरफ से किया गया है वो वादा वो पूरा करेंगे, और इस दिशा में वो काम कर भी रहे हैं। कमेटी बनाई गई है, कमेटी ने अपना पूरा काम भी पूरा कर लिया है, सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है, रिपोर्ट उनकी तरफ से बना दी गई है। अब जो है एक रोड मैप तैयार करना है पंजाब सरकार को, और इस रोड मैप की दिशा क्या होगी, किस तरह से जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक जो है वो राज्य की वित्तीय हालत से भी जुड़ा हुआ है। अगर कर्ज माफ होता है तो क्या विकास के काम रुक जाएंगे, राज्य का जो खजाना है उस पर कितना बोझ पड़ेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो है कैप्टन सरकार को काम करना होगा, क्योंकि किसानों से उन्होंने वादा जरूर किया था, फसल जो है एक वोट के तौर पर उन्होंने ले ली है, अब सत्ता की चाबी उनके पास आ गई है, और उसके बाद से भी लगातार जो है एक भरोसा और विश्वास दिया जा रहा है कैप्टन सरकार की तरफ से। और आप भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं इंडिया की आवाज में, हमारा नंबर 1-800-03535, 01207153755। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है, क्या पंजाब में किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने का असरदार रोड मैप बनना चाहिए? यस के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस Y, नो के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस N, और SMS के जरिए आपको जवाब भेजना है 57575 पर।